ऊपर भी होना चाहिए। और ये देखिए इधर मनीष कश्यप, ये देखिए मनीष कश्यप की गाड़ी इधर निकल रही है, मनीष कश्यप ये देखिए जा रहे हैं, मनीष कश्यप की ही गाड़ी है इसमें, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप है इसमें। और अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के भाई हैं, और मनीष कश्यप के बारे में नया फैसला क्या आया है करण जी? मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे, बिहार की मिट्टी में ही रहेंगे, बिहार की मिट्टी में ही रहेंगे मनीष। बिल्कुल बिल्कुल, जज साहब ने बोल दिया, बिल्कुल खुश है आप लोग? बहुत ज्यादा खुश है, मैं खुश हूँ, मेरी माँ खुश है, पूरे बिहार वासी, मेरे पूरे भाई लोग खुश है। मनीष कश्यप जी का क्या रिएक्शन था जब ये फैसला? आंखों में आंसू थी, मेरे चेहरे में मुस्कान थी, उसके आंखों में आंसू थी। मैं सोचा था कि पगला क्यों रो रहा है। अच्छा। लेकिन मैं देखा कि हाँ वो भावुक पल था, कि हाँ जब 5 महीने 6 महीने से जो बिहार की मिट्टी से अलग किया गया था, उसका वो आंखों में नम था। मतलब सब लोग काफी ज्यादा खुश है। मनीष कश्यप से आपकी क्या बात? मनीष सर अभी तो था कि हाँ जे ये तो श्योर था कि हाँ जे मनीष बिहार में ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह कल रात को जो कांड हुआ था, क्या कांड हुआ था रात? कल रात को जो हुआ था कि हाँ जे बेउर जेल पे मेरे भाई 1.5-2 घंटे रह गया, कि हाँ बेउर जेल प्रशासन बोल रही थी कि हाँ जे मैं एक्सेप्ट करूंगा इन्हें, क्योंकि बेतिया का ऑर्डर है कि बेतिया जेल में रहेंगे, तो हमको लगा कि कुछ षड्यंत्र और भाड़ा षड्यंत्र ना हो जाए, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर था कि हाँ, लेकिन जज साहब ने भी हमारे पक्ष में सुनाया, इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कश्यप की माता जी का भी एक वीडियो सामने वायरल हो रहा है, वो काफी ज्यादा रो रही हैं, काफी ज्यादा शराब भी दे रही हैं, और काफी ज्यादा आंखें उनकी नम है, तो मतलब ये सब उसी का परिणाम है क्या? देखिए उसकी मेरे माँ की जगह आपकी माँ भी रहती ना, तो जिस तरह 5 महीने से कोई अपना संतान को जो कष्ट में झेल रहा था, काला पानी के समान ही था वो, वैसे अगर मौका मिलेगा उसको मिलने दिया जाएगा तो उससे भी ज्यादा मगर दुर्गा का अवतार हो जाएगी। मेरी माँ तो कल थोड़ी सी दुर्गा माँ बनी थी, लेकिन जिस तरह वो प्रशासन कर रही थी कल, वो बहुत गलत था। मतलब आप लोग अब खुश हैं और मनीष कश्यप के लिए राहत भरी खबर है? बहुत बहुत बड़ी राहत की खबर है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अब मिलने जा रहे हैं आप मनीष कश्यप? मैं तो अभी मिल के आया हूँ। मिल के आए हैं, मिलने के बाद क्या बोल रहे थे मनीष कश्यप? बस उनकी आंखों में आंसू थी, बस बोले कि हाँ जो भीड़ लगी हुई है, भीड़ को आप संभालो, भीड़ को आप संभालिए, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जो पूरे भाई हैं लोग, सारे भाई मिलकर संभालेंगे लोग। आज पहली बार करण भाई को इतना खुश देख रहे हैं, आप सोच सकते हैं, एक भाई जो है 5 महीने से परेशान था, और कहीं ना कहीं जब भी कोर्ट में जाता था, निकलता था, तो कहीं ना कहीं उदास निकलता था, पर आज देख सकते हैं हंसी मुस्कान बता रही है कि खुशी बहुत है, और कहीं ना कहीं एक भाई के लिए खुश होने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि अब सोचिए इनकी फैमिली भी है, इनकी बच्ची है, परिवार है, 4-5 महीने से इन्होंने नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं ये सैक्रिफाइस। और इनके ऊपर फूल की बारिश भी हुई है? मेरे ऊपर नहीं, मेरे भाई के ऊपर फूल बारिश हुई है। अच्छा, भाई के ऊपर हुई है, और कुछ फूल आपके ऊपर? और ये देखिए इधर मनीष कश्यप, ये देखिए मनीष कश्यप की गाड़ी इधर निकल रही है, मनीष कश्यप ये देखिए जा रहे हैं, मनीष कश्यप की ही गाड़ी है इसमें, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप है इसमें। और लोगों की भीड़ देखिए कि भीड़ कितनी ज्यादा है, अच्छा लगता है ये सब देख के? अच्छा लगता है? नहीं नहीं, ये भगदड़ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सारे अपने भाई ये लोग, सारे अपने भाई है, तो ये हमारे सब यहाँ पे मौजूद है जो पिछले 5 महीने से तो परेशान थे, आज क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे विरोधियों को, विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे, विरोध विरोध विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? साहब विरोधी कोई नहीं है, जो सारे अपने भाई ही हैं लोग, समझे ना, कोई विरोधी नहीं है, सारे अपने भाई ही हैं लोग, थोड़ा सा हम नाराज होते हैं, थोड़ा सा वो नाराज होते हैं, लेकिन भाई हैं सारे। अच्छा, आज 2 बजे का समय दिया गया था, पेशी का पेशी। तो जैसा कि देख रहे थे हमारे साथ, मनीष कश्यप के